बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ अवेयरनेस मैसेज फॉर माय व्यूवर्स टू प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट फ्रॉम माफिया। तो जनाब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, सेहत तबीयत ठीक है। तो जनाब रातों रात रेट को बढ़ा दिया गया है, रेट हो गया 251,400 रुपये। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट बढ़ने के साथ दोबारा से थोड़ा सा मार्केट ने रिट्रेस लिया था, जबकि अगर कुछ अरसा पहले की बात करें तो मार्केट 2480-2450 डॉलर को टच करके आई थी, लेकिन इन्होंने रेट को अंडर कास्ट रखा हुआ था। रेट इन्होंने 2,42,000-2,43,000 से ऊपर नहीं किया था, लेकिन इस वक्त रेट 2,51,400 रुपये है। वही रेट है, वही इंटरनेशनल मार्केट है, वही डॉलर का रेट है, लेकिन रेट जो है ना आज 8,000-9,000 रुपये ऊपर है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ माफिया है। हमारा मुल्क का माफिया है, अपनी मर्ज़ी से रेट को ऊपर करता है, अपनी मर्ज़ी से रेट को नीचे करता है। यहाँ पर हुआ क्या था कि एक दो रोज़ कबल जो है ना, हम जैसे लोग हैं, जितने भी एनालिसिस्ट हैं, जो भी एनालिसिस करते हैं, और काफ़ी सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं जो कि काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं और इस चीज़ को समझते हैं, उनको भी पता है कि ये हाई पीक रेट है, यहाँ पर सेल बनती है, यहाँ पर परचेजिंग नहीं बनती है। तो यहाँ पर तकरीबन 80-70% मेरे अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर सेलिंग हुई है, और इस वजह से जो है ना रेट को नीचे आना चाहिए था। माफिया ने क्या देखा कि यहाँ पर तो हमारा गोल्ड जो है ना, हमने गोल्ड को जो है ना परचेस करवाना था लोगों को, लेकिन लोगों ने तो सेल कर दिया। अब माफिया ने एक नई चाल चली, 249-250 में तकरीबन लोगों ने गोल्ड को सेल किया था, माफिया ने रेट उठा के कर दिया 2,51,400 रुपये। अब ये मेरे और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम दोबारा से बाइंग के अंदर जाते हैं या हम जो है ना इनकी चालों को समझते हैं। अगर हम इनकी चालों को समझ गए तो हम जो है ना इसके अंदर कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा मोहतात होकर काम करना है और बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम करना है। इस वक्त किसी भी किस्म के आपने चुंगल के अंदर फंसना नहीं है और ऊपर की बाइंग में नहीं फंसना। मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि ऊपर की बाइंग में अगर आप फंस गए तो हो सकता है आपको 2,40,41,000 में लोगों को फंसे फंसे नौ नौ महीने, एक एक साल का अरसा जो है ना लोगों ने निकाला है, उसके बाद जो है ना लोगों को निकलने का मौका मिला। इस वक्त आप लोग अगर इसकी बाइंग में जो है ना फंस जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाने को मिल सकता है। काफ़ी सारे लोग हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने चाहते हैं। देखें भाई, आपने लाजमी गोल्ड को महंगा ही ख़रीदना है, आप जो है ना गोल्ड को थोड़ा सस्ता होने दें। ठीक है, सस्ता हो जाए तो फिर आपने गोल्ड को अपने हाथ में रखें, फिर इंशाल्लाह महंगा होगा तो आपने महंगा करके सेल करना है। लेकिन हाई पीक पर आपने कभी भी गोल्ड को सेल नहीं करना। जब भी किसी चीज़ को हम आसमान की तरफ फेंकते हैं तो उस चीज़ ने वापस ज़रूर आना होता है। इसी तरह ये रेट की भी मिसाल है, इंटरनेशनल मार्केट की भी मिसाल। इंटरनेशनल मार्केट इस वक्त हाई पीक लेवल पे जो है ना जाके क्लोज हो गई है, लेकिन इसका जो असल घर है वो 2300 और 2200 का घर है, इसने अपने घरों में वापस आना है। ठीक है, ये अवेयरनेस के लिए मैंने एक इमरजेंसी वीडियो बनाई है, मेरी जो सेकंड वीडियो है वो 1-2 बजे आएगी इंशाल्लाह। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।